तो दोस्तों एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम लोग घूम रहे हैं काबुल। काबुल क्या शहर है यार, खूबसूरत शहर है। मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। जो हम चीज़ें सुनते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, सेफ्टी प्रिकॉशन ज़रूर है यहाँ पे। और कोई भी शहर या मुल्क ना परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। दस्तरखान बिछ चुका है, कबाब हमने ऑर्डर कर दिए, और जो यहाँ के हमारे होस्ट हैं वो दिल्ली रह चुके हैं लाजपत नगर में बहुत सारे साल, ठीक है। तो उनसे हमारी बातचीत हुई और अभी ऑर्डर हम आने वाला है, तो वो आपको दिखाते हैं यहाँ का जायका कैसा है। वैसे तो हमने कुंदूस में बहुत कबाब खाए थे, यहाँ के कबाब लजीज है, लजीज लजीज भी शायद अंडरस्टेटमेंट होगा। तो फिर ठीक है, फिलहाल कबाब से अगर पेट नहीं भरा तो उसके बाद और जगह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नॉनवेज में ना लैम मीट में सिर्फ कबाब ही मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे कबाब हैं, ये देखिए, खाना इंजॉय करते हैं अपन। कबाब भी देख लेते हैं किस तरह से हैं इनके, ठीक है, बढ़िया। इसको खाते हैं, मज़ा करते हैं, इंजॉय करते हैं, दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक भाई मिले हैं, वो हमें एक रेस्टोरेंट दिखाने ले आए हैं। ये बिल्कुल यहाँ का जो मॉडर्न रेस्टोरेंट होता है ना, कुछ उस तरह से है। एक बेकरी है, मॉडर्न बेकरी है, और ये, अरे वाह यार, सही है, नाइस। और बेहद खूबसूरत जगह है यार, यहाँ पे तो मतलब पूरा दिन बिता लो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि खाओ पियो, बट काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरी मेंटेन कर रखी है इन्होंने, ये देखिए। चलो देखते हैं यहाँ के जो नॉर्मली जो बुफे होता है वो किस तरह। ये काबुली पुलाव है, चिकन वाले, ठीक है, चिकन वाला भी है और काबुली उज़्बेकी पुलाव। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये चिकन बिरयानी है और चलाओ। वाओ, चलाओ कोफ्ता है, ठीक है। मतलब अभी थोड़ा, वैसे तो 7:30 बजे हैं, पर काफ़ी लोगों ने खा भी लिया है यहाँ पे। पिज्ज़ा भी है, शोला, अच्छा, मटन का बनता है क्या, चिकन का, सब ज़्यादातर यहाँ पे चिकन है। ये तो हमारी फेवरेट चीज़ है, मोमो। ये चिकन वाले हैं, मटन वाले हैं, मटन। तो जनाब ऐसा है कि हम लोग तो यहाँ पे आए थे नॉर्मली एक कैफ़े का जायज़ा लेने। किसी ने बताया था कि बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल सी जगह बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद भाई मिल गए, इन्होंने हमें बड़े अच्छे से ग्रीट वगैरह किया। एंड चलिए फ़िलहाल पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे ना हमारे पास कुछ ग्लास में पोमेग्रेनेट्स हैं, और यहाँ पे है पोमेग्रेनेट टी, ठीक है। ऐसा भाई, एकदम से मैंने डाली ना तो खुशबू वो स्ट्राइक हुई है, इसको पोमेग्रेनेट टी बोलना है हमने, ठीक है। ओए होए 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 होए, क्या बताऊँ यार। पहले ना मुझे लग रहा है कि शायद मैंने ऐसा कुछ सिमिलर सा पिया हुआ है, पर यार पी के तो नज़ारा आ गया यार, एकदम से ना स्ट्राइक किया ये चीज़ ना। अच्छा, और ये जो चाय है इसने दिल लूट लिया हमारा, बहुत बढ़िया यार। कैसे तो, है काबुल, कैसे है काबुल? बहुत बढ़िया, यहाँ के लोग बहुत बढ़िया है, अफगानिस्तान, मज़ा आ गया यार। आप लोग कितने अच्छे लोग हो यार, शुक्रिया जी जी जी। तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, अच्छा क्या बात है, पाकिस्तान, ठीक है। नहीं, आओ आओ, आप भी आ जाओ भाई, आप भी आओ ना, क्या इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, सब भाई है भाई। तो ये पाकिस्तानी भाई भी यहाँ से गुजर रहे थे, तो इनको भी आवाज़ मार ली भाई। देखो अब एक ही फ्रेम में हम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ठीक है। कैसे हो पाजी आप? बस बढ़िया पाजी, तू ही सुनाओ कैसे, ठंडा है, कोल्ड देखिए। अभी तो ठंडा हो गया है, रात को तो थुरथुरी वाली ठंड लग रही थी। मैं काम रहा था ऐसे, और लोग भाई तो देख रहे थे इस भाई को क्या हुआ है, इसने कौन सा खंभा पकड़ लिया। ऐसे हम तो इधर आया काबुल में, देखा हम दुबई में रहते हैं। आप दुबई में रहते हैं, ठीक है। आज रमजान है, हम रमजान से इधर आया, हम देखते हैं मौसम कैसे, ये सब कुछ। हमें लोग पूछ रहे थे कि यार आप लोग काबुल घूमने आए हो तो रमजान में घूमने क्यों आए हो, लेकिन एक चीज है, ठीक है, हमें दोपहर को खाना नहीं मिलता, लेकिन इसी बहाने हमारा भी रोजा साथ साथ खुल जाता है, ठीक है। और शाम को क्या चहल पहल रहती है यहाँ पे, क्या खाना है, क्या कबाब है, क्या पुलाव है, मजा आ जाता है भाई। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया ब्रदर। पाजी बल्ले बल्ले। पर हम लोग आए हैं हैदर शिनवारी पे दुम्बा कढ़ाई खाने, ठीक है। तो मैंने इनको कॉल करके पूछा था कि भाई दुम्बा कढ़ाई मिल जाएगी ना, दुम्बा का मतलब है बकरा, ठीक है, तो बकरे की कढ़ाई होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये है, यहाँ पे कढ़ाई वगैरह बनती है, ठीक है, बहुत शाली, देख लो सर जी, बहुत बढ़िया सा बना हुआ रेस्टोरेंट। ये देखिए भाई जान, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है कढ़ाई का, ठीक है। देखिए इस तरह से होती है कुछ कढ़ाई, अभी माशाल्लाह यहाँ की हालात बहुत बेहतर है, अब बेहतर है। पहले भी बेहतर था लेकिन अब बेहतरीन हो गए, हर कोई आ जाए, कोई मुश्किल नहीं जी, जी, है। ओ भाई साहब, लीजिए भाई साहब, हमारी ना कढ़ाई आ गई है, इफ्तारी की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये देखिए पूरे नान वगैरह आ गए हैं, साथ में सैलड आ गया, रायता आ गया, ये देखिए यार यहाँ के नान, देखिए ब्रेड,
आज तो भाई मज़ा आने वाला है इफ्तारी का, ठीक है। सुना बहुत था, वीडियोस बहुत सारी देखी थी यूट्यूब पे, और आज जो खा रहा हूँ ना, दिल से क्या खुशी मिल रही है मैं आपको बता नहीं सकता। तो हमारे साथ ना यहाँ के जो ओनर हैं वो बैठ गए। मैं आपका पहले तो शुक्रिया था आपने हमें ज्वाइन किया, ठीक है। थोड़ा सा इस कढ़ाई के बारे एक बार लोगों को बता दो। ये कढ़ाई यह है कि मशहूर डिश है, यह जो लोग इसको शिनवारी भी कहते हैं, शिनवारी एक कौम कबीले का नाम है। ये दुम्बे के साथ पक जाता है, इसमें आधा घंटा लग जाता है। ये मशहूर इसलिए है कि ये फ्रेश बनाया जाता है, ठीक है। जो भी हिस्सा आप बकरे का चाहिए तो फिर आप बोलते हो कि मुझे ये हिस्सा चाहिए, तो फिर हम आपको बना देंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बढ़िया इफ्तारी है, मैं बता सकता हूँ। थैंक यू भाईजान रोहित के आप तशरीफ लाए, एक मशहूर यूट्यूबर है, दुनिया में आपका नाम है। आज जब आप अफगानिस्तान में आए तो ये हमारी बड़ी फख्र की बात है, और हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए तो फिर इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। हाँ, हम आपकी भाषा नहीं समझते, फिर कोशिश भी कर लेते हैं कि समझे। इतनी तो सेम हो गई भाषा, और कितनी समझेगा, बहुत सेम सेम है। दुनिया के जो खाने हैं ना, ये मुल्कों को जोड़ते हैं, मैं लास्ट में यही कहूंगा। बाकी इसको एंजॉय करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है, उम्दा है। तो भाई इनका मेन्यू बहुत बड़ा है, मैं जगह एक बार फिर से बता देता हूँ, बाग कॉन्टीनेंटल है, ठीक है। और मेन्यू जो इनका है ना, बहुत ज़बरदस्त है भाई। यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी, टर्किश, ईरानी, चाइनीज़, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, फ्राइड चिकन वगैरह, बारबेक्यू चिकन वगैरह, शेक्स है, आइसक्रीम है, खीर है, कॉफ़ी है, चाय है। भाई साहब इतना बड़ा मेन्यू है ना, हमारे साथ अभी कैप्टन साहब आए थे, कहते क्या क्या खाना चाहेंगे आप। मैंने कहा यहाँ पे 15-20 मिनट का समय दो। तो लीजिए दोस्तों, खाना हमारा सज चुका है टेबल पे, मज़ेदार सा। ये देखिए अफगानी लैम चॉप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बर्गर वगैरह भी हैं, ठीक है। ये देखिए बर्गर आ गए, ठीक है। काबुली पुलाव हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये अनार का जूस नहीं है, अनार की चाय है ये, मज़ेदार, ठीक है। तो थोड़ा सा ना लैम चॉप्स का मज़ा लेते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि ये जो लैम चॉप्स है ना, ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं। बहुत बढ़िया यार, भाई साहब इंतहाई मज़ेदार। ये है इनका यहाँ का जिंगर बर्गर, मतलब जिंगर बर्गर आज तक तो हमने भाई KFC में खाए थे, फिलहाल इस बर्गर का मज़ा लेते हैं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, जल्दी। लेकिन वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है, इसके बाद आपको अफगानी आइसक्रीम खिलाएंगे, बढ़िया सी मज़ेदार, यहाँ की बहुत फेवरेट है, फेमस है, ठीक है। तो जुड़े रहिए एंड तक। तो अभी क्या है, हम लोग ना यहाँ पे आ गए हैं इनकी ट्रेडिशनल आइसक्रीम खाने, काबुल की ट्रेडिशनल आइसक्रीम खाने। ये देखिए भाई, यहाँ पे बन रही है आइसक्रीम और कुछ इस तरह से प्रिपेयर होती है। ये देखिए, सलाम अलैकुम भाई जान। ये देखिए, ये मटका सा है स्टील का, उसके अंदर आइसक्रीम है और बर्फ़ के साथ ही ना ऐसे इस तरह से घुमाते हैं। अफगानिस्तान, हाँ, बढ़िया खाना है, ट्रेडिशनल टेस्ट है, ट्रेडिशनल आइसक्रीम है यहाँ काबुल की, अफगानिस्तान की। भाई ये जो है ना भाई, इसमें से आइसक्रीम निकाल रहा है, ये देखो, ये आ गई जी। हाँ भाई, ये तो कैसी होती है टेस्ट में, तो वो तो बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल जो है ना, ये लग ऐसा रहा जैसे टर्किश आइसक्रीम होती है ना, कुछ उस तरह की लग रही है। देखो, तीखी तलवार की तरह इसको सजा देते हैं। ये देखो भाई, और इसके अंदर अभी और भी चीज़ें आएंगी। ये देखो भाई, ओहो हो हो, मज़ेदार। ये देखो अब इसके अंदर ये कुछ खाइमाक, ये क्या होता है खाइमाक, मिल्क, मिल्क, ठीक है, कुछ दूध जैसा कुछ है, दूध है, क्रीम है, खीर है, वो तो बाद में टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज इशू है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये देखो भाई, ये इस तरह से होती है, ये इन्होंने रख दी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर ना ये कुछ मीठा डालेंगे, क्या है भाई, ये शोरमाक, ठीक है भाई। चलो अंदर चलो, ये हो गई जी हमारी आइसक्रीम तैयार, ये तैयार है जी हमारी आइसक्रीम। अरे तो पहले तो ये जो इन्होंने मिल्क वाला कुछ डाला ना, वो ट्राई टेस्ट करते हैं कैसा है। हाय मज़ेदार, ऐसी चीज़ मैंने इंडिया में खाई हुई है, फालूदा आइसक्रीम के साथ जो होता है ना, वैसा कुछ है, बिल्कुल वही टेस्ट है भाई, मज़ेदार। अभी जिस रोड से हम लोग गुजर रहे हैं ना, यहाँ पे लाइन से दुकानें हैं चिकन की। तो दोस्तों रात के 10 बज रहे हैं और भूख लग रही थी, यहाँ पे तो रोज़ा हमने खोल लिया था 6:30 बजे, उसके बाद ना ज़बरदस्ती भूख लगी। यहाँ पे तो लोग 9 बजे ना खाना खुना खा के वेले हो जाते हैं, 9 क्या 8, 8:30 वेले हो जाते सब। तो हमने एक जगह यहाँ ढूंढ लगी, यहाँ पे
बारबेक्यू चिकन मिल रहा है, तो मैंने कहा यही खा लेते हैं, इससे पेट भरेंगे आज। ये देखिए, ये इस तरह से इनकी दुकान है भाई साहब की, पेशावरी चपली कबाब है दुकान का नाम, ठीक है। ये देखिए, हमें कुछ रेकमेंडेशंस मिले थे कि यहाँ पे ना बकरे के चपली चपली कबाब जो मिल जाते हैं, वैसे तो चपली कबाब ज्यादातर बीफ के मिलते हैं, यहाँ पे बकरे के भी मिल जाएंगे, साथ में देते हैं ये अफगानी नान वगैरह, रायता वगैरह रहता है बहुत मजेदार, और बड़ा सा साइज है देखो चपली कबाब का, ठीक है, साथ में सैलड है, ग्रीन टी वगैरह है, सब मजेदार है। चपली कबाब भी आ गए हमारे पास, हमारे टेबल पे, ये देखिए बना के दिया है खूबसूरत, साथ में आ गया है ये सैलड है, नान ब्रेड है। तो लीजिए जनाब, कबाब आ चुके हैं हमारे पास। वैसे तो कबाब यहाँ पे जो होते हैं चपली कबाब, वो थोड़े फ्लैट होते हैं चप्पल की तरह, ये भाईजान ने थोड़े हमारे लिए स्पेशल कर दिए हैं, ठीक है। साथ में आ गया ये अफगानी नान है, रायता है, बलोनी है, सैलड है, तो नोश फरमाएं। यहाँ जब से अफगानिस्तान आया हूँ ना, मुझे मालूम पड़ा था यहाँ पे चपली कबाब मिलते हैं, तो मैं 7-8 दिन से ढूंढ रहा था कि मुझे मिल जाए बस एक बार, जब हाथ में आ गए ना छोड़ूंगा नहीं मैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कबाब है, जूसी है, बहुत ज़्यादा टेंडर है, सॉफ्ट है, मज़ा आ गया यार। तो आज की इफ्तारी हमारी कुछ इस तरह से है, ठीक है, मज़ा आ गया भाईजान। हम लोग इस वक्त हैं काबुल अफगानिस्तान में, और यहाँ के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में हम लोग आए हैं, शामे काबुल। ये देखिए भाई, ये है रोश, यहाँ पे तैयार हो रहा है। ओह हो, मज़ेदार पीस है भाई, लाग यहाँ दिखाओ मज़ेदार। ये देखिए भाई साहब कि इस तरह के क्या पीस देखे हैं आपने, यहाँ की जो भेड़ होती है ना बड़ी होती है साइज़ में। हाँ, और दिखाइए और दिखाइए, ये पीस पीस देखो कितने ज़बरदस्त पीस है। ये देखो, डालना 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 ज़रा इसमें डालो। हाँ ये देखो भाई, मुलंग क्या बात है यार, ये देखिए भाई जान, ये मुलंग बोलता है, क्या पीस है, ज़बरदस्त पीस है भाई जान। ये देखिए कि दुम्बा खोलने लगे हैं जी, ये देखिए अनकवर कर रहे हैं जी, आज पहली बार हम देखेंगे। ओए होए 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 होए, क्या बात है, मज़ेदार देख लिया मैंने, देख लिया भाई जान, क्या ही बात है यार। ये देखो क्या बात है, ये देखो भाई इस तरह से तैयारी होती है, पूरा इसको ढक देंगे, चावल से ढक देंगे इसको। हाँ अच्छा, साइड पे साइड पे, इसको मंदी भी कहते हैं ना, है ना। चावलों का तो अपने आप में अलग ही जायका है भाई। ये देखो इधर तो चावल आ गए, और इधर भाईजान ने ना बकरे को पूरा सजा दिया, जैसे आज इसका निकाह होने वाला है। इसका तो जो साइड पे जो आलू रखे हैं उसका ही फ्लेवर जबरदस्त होगा, क्योंकि उसका जो मीट का जो फ्लेवर है ना, आलू का बोला, हाँ वो बिल्कुल उसमें फ्लेवर आ जाएगा उसका। ये देखिए जनाब, तैयारी देख रहे हो, ये है स्पेशल आज की हारून भाई के रेस्टोरेंट शामे काबुल की इफ्तारी की तैयारी, और अब बारी है हम लोग के खाना खाने की, इफ्तारी करने की। ये है जी अफगानी पुलाव, काबुली पुलाव मैं तो कहूँगा, और ये है रोश, काबुली पुलाव नहीं, दोबारा बोलो, काबुल का पुलाव, काबुली पुलाव, काबुली पुलाव। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का खाना, शामे काबुल आज रही हारून भाई के नाम, और ये है यहाँ के अफगानी पुलाव। भाई साहब क्या टेस्ट आया, क्या जायका आया पहली बाइट में, मज़ेदार। इसमें बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश सब डाल रखे हैं, मज़ेदार यार। ये देखिए, ये है रोश, ये है चर्बी, और ये है तंदूरी मटन, ये भाईजान ने खुद बनाया, ये देखिए मज़ेदार लग रहा है। ये इतना डेलिकेट है, ये देखो बाहर ही आ गया पूरा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आपने बनाया है, बिल्कुल। और ये देखो भाई, इसको भी देख लो जरा, ये देखो क्या ही बात है, ये अफगानी रोटी है, कितना सॉफ्ट है, ये देखो ये अफगानी रोटी भी आ गई है, देखिए अफगानी नान, ये स्पेशल बनाया लगता है। तो भाई जान ये है स्पेशल काबुली नान,
तिल वगैरह भी लगाए ऊपर, उसको इस तरह से रोश के साथ लेके थोड़ा सा रायता। मज़ा आ गया यार, क्या ही मैं नान की बात करूँ, अफगानी नान, काबुली पुलाव, रायते, दुम्बा, ये जो लैम बनाया भाई साहब ने, मैं कहता हूँ कमाल है, इंतहाई मज़ेदार है यार। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। बाकी इसको वाइंड अप करते हैं और मैं आराम से अपना आप खाना इंजॉय करूँगा।